बताओ बताओ कुरान पाक से यानी दो ढाई तीन साल से रखे हुए थे ठीक है में डाल के तो धूम में पड़े पड़े आखिर हर चीज गल गई धूम की वजह ठीक है बार से रही ना पूरा डेढ़ डेढ़ दो महीने तो उसमें कल चाहती अल्लाह जानता कोई पेड़ हो गए थे गत्ते जो थे ना तो फिर सारे मैंने एक जगह इकट्ठे किए उसमें शहीद कुरान पाक भी थे सब ठीक है तो बैनर भी थे जिनमें वो ये इश्तहार वगैरह छपे होते थे मैंने उनको कल शाम को सब की आग लगाई है नहीं आप किसने खाई मूसा भाई क्या बोला उन्होंने इसको एक साथ जगह इकट्ठा करके ना आग लगा ठीक आपने भी वही किया यही बात और यार ये नहीं ये बहुत बड़ी छोटी बात है मैंने आप बात यानी मैं एक आपकी अपनी बात पत्र यानी अब उसका तो जुर्म अल्लाह ही जानता है मैं ये नहीं कह रहा कि उसका मामला कुछ भी नहीं है नहीं आपके पास कर ले ये बात लेकिन आप बोल सकते थे कि ये गलत है जी अगर आप कुरान मजीद मौजूद है उसको पता इससे बढ़कर देखे हमारे लिए कोई चीज़ कोई चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आपने कहा कि ये आप खुद मतलब उसके अंदर कुरान मौजूद थे अगर हमें अखबार में एक अल्फाज शरीफ लोग थे हमें पठान आदमी हम उधर हम तेरी गर्दन जैसे काट देता बड़वा कुत्ते का बच्चा तू बहन चोत ये कर रहे कि तेरे काम है डाल इस बहन चोत को ला कर